आइए बेटा देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बीच में चैप्टर के बीच में रहते हैं। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। अगर बेटा हम किसी भी पेड़ को पकड़ें और उसको सही से हिला दें तो बेटा उसकी लीव्स या फ्लावर्स या फ्रूट्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। तो चलो पेड़ ले आते हैं, ये रहा देखो पेड़ है। और बेटा अगर मैं इसको पकड़ के कहीं से कोई भी डाल वगैरह इसको शेक कर दूं तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो क्या हो जाएगा बेटा, नीचे गिर जाएंगे आके। जो इसकी लीव्स हैं वो टूट के नीचे गिर जाएंगे आके। ऐसा क्यों होता है ज़रा समझिए, ज़रा समझिए बेटा। मान लीजिए ये है बेटा कोई ब्रांच, ठीक है, और इससे अटैच है कोई एक लीव, ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते इस तरीके से। इसके साथ बेटा कोई अटैच है लीव इस तरीके से, मान लीजिए बेटा ऐसी कोई लीफ है, ठीक है। अब बेटा होगा क्या, जब आप इसको हिला रहे होगे तो ये वाली जो ब्रांच है वो शेक कर रही होगी। अब बेटा ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है ना, और जैसे आप इसको मूव करोगे तो ये बेटा इसका इनर्शिया क्या बोलेगा कि भाई ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहना चाहती है। और ये आ गई मोशन में, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है जिसकी वजह से ये मोशन में आ जाएगी और ये रेस्ट पे ही रह जाएगी। तो होगा क्या, ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे फॉल कर जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए जरा एक बार पढ़िए, व्हेन अ ट्री इज वेगोरसली शेकन, तो बेटा कोई भी ट्री अगर उसको शेक करते हैं, सम ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्री, तो कुछ बेटा फ्रूट्स या लीव्स वगैरह नीचे गिर जाती हैं। दिस इज बिकॉज द ब्रांचेस ऑफ द ट्री कम्स इन मोशन बट द लीव्स एंड फ्रूट्स रिमेन्स एट द रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू दिस लीव्स एंड फ्रूट्स, बेटा ये स्पेलिंग गलत हो गई है, फ्रूट्स फॉल डाउन, समझ में आ गई बात या नहीं? इस तरीके से बेटा आपको आंसर लिखना है, ये ट्री वरी मत बना देना, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।